दोस्तों मेरा YouTube का AdSense अकाउंट डिलीट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मेरा ये वाला चैनल का जो AdSense अकाउंट था, Google का AdSense अकाउंट जहाँ से YouTube को पैसा मिलता था, वो अकाउंट YouTube ने Google ने डिलीट कर दिया। लेकिन मेरा AdSense अकाउंट Google ने आखिर क्यों डिलीट किया, क्यों आखिर मेरे AdSense अकाउंट को डिलीट कर दिया? क्योंकि मैंने कुछ गलती किया था और मेरे गलती के कारण ही मेरा AdSense अकाउंट डिलीट हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने किया है, क्योंकि दोस्तों आपको बताओ कि लोग गलती करके सीखते हैं, ठीक है, तो मैंने उसको सीखा है। आपको क्या करना है, गलती करके नहीं सीखना है, आपको डायरेक्ट मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सा गलती किया है और आपको उस गलती को कभी दोहराना नहीं है। अगर आप उस गलती को दोहराओगे, आपको पता नहीं रहेगा, तो आपका भी YouTube चैनल या फिर आपका AdSense अकाउंट डिलीट हो सकता है। और मैं नहीं चाहता कि आपका AdSense अकाउंट डिलीट हो, इसलिए मैं अपने गलती को आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हर एक व्यक्ति YouTube पर एक तो फेमस होने के लिए आता है या फिर पैसा कमाने के लिए आता है। और YouTube से पैसा कमाने के लिए होता है AdSense, मतलब कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब आपके वीडियो पर जो एड प्ले होता है उसका पैसा आपको मिलता है AdSense अकाउंट के थ्रू। जबकि मेरा तो AdSense अकाउंट ही YouTube ने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने गलती ही कुछ ऐसा किया था। उस गलती को आपको कभी दोहराना नहीं है। और क्या गलती है उसको मैं आज की इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मेरा ये वाला जो चैनल है इस पर क्या है, AdSense अकाउंट डिलीट हो चुका है। तो मुझे इस चैनल के थ्रू कोई भी पैसा अभी जनरेट नहीं होने वाला, कोई भी पैसा मुझे एक रुपए भी इस चैनल के थ्रू नहीं मिलने वाला। जबकि यहाँ मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है, इसका AdSense अकाउंट भी बन चुका था, इसलिए मैंने एक नया YouTube चैनल क्रिएट किया है, एक नया YouTube चैनल बनाया है। अब से मेरे जितने सारे वीडियो आने वाला है, जो वीडियो मैं इस चैनल पर डालने वाला था, सेम वीडियो आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। मतलब कि आने वाले टाइम पर जो वीडियो मैं बनाने वाला था इस चैनल के लिए, वो वीडियो अभी मैं दूसरे चैनल के लिए, जो कि मैंने नया चैनल बनाया हुआ है, उस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। और उस चैनल का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज आप थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैंने 2 साल तक यूट्यूब पर मेहनत किया, इस चैनल को बनाया, मोनेटाइज किया, लेकिन यार लास्ट में मेरे एक गलती के कारण मेरा AdSense अकाउंट डिलीट हो गया और इस चैनल के थ्रू मैं कोई भी पैसा कमा नहीं सकता। इसलिए मैंने एक नया चैनल बनाया है। प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एक बार सब्सक्राइब कर देना, उस वीडियो को देखना। आने वाले टाइम पर जितने सारे वीडियो होगा सब आपको नए वाले चैनल पर मिलने वाला है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने सेटअप का थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, कुछ लाइटिंग या फिर कुछ बैकग्राउंड को आपको चेंज नजर आ रहा होगा। और भी बहुत सारे प्रोग्रेस अभी बाकी है जो कि आपको नए चैनल में देखने को मिलने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गलती किया था जिसके कारण मेरा YouTube चैनल का AdSense अकाउंट डिलीट कर दिया गया। और मेरे दोस्त आपको पता हो कि अगर लोग गलती करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर गलती करके कोई कुछ ना सीखे तो ये गलत बात है। तो मैंने इस गलती को किया, कुछ इससे सीखा, जो गलती है मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैंने गलती किया ये जरूरी नहीं कि आप भी गलती करके ही सीखो, क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस गलती को आपको नहीं करना है, और आप उस गलती को नहीं करोगे तो आपका AdSense अकाउंट और आपका YouTube चैनल बच पाएगा और आप YouTube से पैसा कमा पाओगे। दरअसल मैंने गलती यहाँ पर किया था कि मैंने अपना YouTube चैनल को मेरे लैपटॉप में लॉगिन कर रखा था। और यहाँ पर गलती मेरा नहीं है कि मैंने YouTube को लॉगिन कर रखा था अपने लैपटॉप पर, गलती यहाँ पर हुआ है कि मेरे छोटे भाई को पता चल गया था कि उसके भाई, मतलब कि मैं अगर YouTube पर वीडियो बना रहा हूँ और लोग मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा ऐड आएगा और ऐड के थ्रू मुझे पैसा मिलने वाला है, ये मेरे भाई को पता चल गया था। और मेरे छोटे भाई ने क्या किया, उसने क्या कि मेरे जो लॉगिन था मेरे लैपटॉप पर, मेरा जो YouTube चैनल लॉगिन था, उसी से मेरे अकाउंट से मेरा ही वीडियो बार बार रिपीट वो देखता रह गया। और बार बार ऐसे करने पर YouTube को लगा कि मैं थोड़ा सा स्कैम कर रहा हूँ या फिर कुछ फ्रॉड हो रहा है YouTube के साथ, मैं कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल के थ्रू, मतलब कि मैं अपना AdSense के थ्रू, मतलब जो डॉलर बनेगा, इनकम बनेगा, वो मैं खुद ही बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। YouTube को यह लगा और उसने क्या किया, मेरे YouTube के AdSense अकाउंट को डिलीट कर दिया। तो यही वो गलती था कि मेरे भाई ने मेरा ही खुद का वीडियो मेरे ही अकाउंट से बार बार रिपीटली देखता रह गया, जिसके कारण मेरा YouTube चैनल का AdSense अकाउंट डिलीट हो चुका है। तो मेरे दोस्त इस गलती से आपको सीखने को मिलता है कि आपको ये गलती कभी नहीं करना है, आपको खुद के अकाउंट से अपने वीडियो को कभी वॉच नहीं करना है। एक आध बार वॉच कर लिया वो अलग बात है, लेकिन आप कंटिन्यूसली आपको बार बार नहीं देखना है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर लोगों को देखने से मेरा यूट्यूब का इनकम बढ़ रहा है तो मैं बार बार अपने ही वीडियो को देखूं, उससे क्या होगा, यूट्यूब को कहाँ पता चलने वाला है, कहाँ यूट्यूब अमेरिका से आकर मेरा वीडियो को देखेगा कि किसने देखा है। लेकिन यूट्यूब को सब पता होता है, किस अकाउंट से कौन सा वीडियो कितना बार देखा जा रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ यूट्यूब को पता चल जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने ही अकाउंट से अपने वीडियो को वॉच नहीं करना है। आपका यूट्यूब चैनल और आपका AdSense अकाउंट भी डिलीट हो सकता है, जैसे कि मेरा AdSense अकाउंट डिलीट हो चुका है। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि मेरा एक नया चैनल बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
क्योंकि मैं इस चैनल से अब कोई भी इनकम करने वाला हूं नहीं, क्योंकि एडसेंस अकाउंट डिलीट हो चुका है, तो कहां से होने वाला है। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे बोलता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो उस नए चैनल का लिंक दिया हुआ, एक बार जाके प्लीज उसको वॉच करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। क्योंकि मेरे दोस्त, मैंने पिछले 2 साल से यूट्यूब पर काम कर मैंने इस चैनल को मोनेटाइज किया था, जो कि अभी उसका एडसेंस अकाउंट डिलीट हो गया। तो प्लीज जितने लोग मुझे देख रहे हो, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें से जाकर मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आई होप कि आज के इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ये बात ध्यान रखना कि अपने खुद के अकाउंट से अपने वीडियो को वॉच नहीं करना है, वरना आपको भी मेरी तरह पछतावा होने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।